अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार आप सबका सबसे पहले वेलकम हो गया न्यू व्लॉग के अंदर। तो आज 14th रोज़ा है। मौसम बहुत अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। तो बस अभी कुछ टाइम पहले नमाज़ पढ़ी है, अभी फ्रेश फ्रुश हो के थोड़ा सा घर से ये साइड पे आया हूँ। तो यहाँ पे एक और पहले वीडियो में मैंने दिखाया था कि यहाँ पर जो है एक जंगली डॉग है जिसने बच्चे दिए हुए हैं, तो उनको रोटी वगैरह डालता रहता हूँ क्योंकि वो डॉग जो है वो घर से दूर है काफ़ी। तो वो बच्चे वगैरह जो है उनके लिए दूध वगैरह का ज़ाहरी बात है, वो माँ को दूध पिलाना होता है तो खुराक ज़रूरी है। अभी आए हूँ उसको रोटी डालने, आपको दिखाता हूँ कि वो अब कितने बड़े हो गए। शायद पहले वाला व्लॉग आपने ना देखा, तो चलें आप मेरे साथ हैं। यार आप देख सकते हैं ये सब बच्चे हैं, अभी इनकी माँ तो नहीं है बट ये सब मौजूद हैं। ये कोई हैं 2, 4, 6, 8 हैं ऑलमोस्ट। तो माँ भी इनकी साइड पे है, मैं उसके लिए रोटी लाया था कि उसको रोटी डालता हूँ बट वो नहीं है। तो ये सब पड़े हुए हैं। मोती यार ये काफ़ी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। अब इनको मैं रोटी डालने आया था बट ये है कि इनकी माँ यहाँ पे नहीं है, शायद वो कहीं खुराक की तलाश में गई हुई है दूर। तो अभी जो है मैं इनके सामने रोटी फेंक के जा रहा हूँ, शायद जब इनकी माँ आएगी तो वो खा लेगी। ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब आप देख सकते हैं काफ़ी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। मोती तो ये रोटी मैंने फेंक दी है, जब इनकी माँ आएगी तो ज़ाहरी बात है वो खा लेगी। तो यार माशाल्लाह मौसम जो है इस बार बहुत अच्छा जा रहा है, खुसूसन रमज़ान करीम का महीना है तो काफ़ी बंदे को होता है कि यार गर्मी ना हो, तो इस बार मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है। अभी आप देख सकते हैं ये आज भी काफ़ी बादल हैं आसमान पर और धूप वगैरह का नामो निशान नहीं है, तो यूँ जो है वो रोज़े के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है। यार डॉग को जो है मैं खुराक डाल आया हूँ, तो अभी अपने मुर्गों को कुछ दाने वगैरह डालता हूँ। तो बड़े प्यारे मुर्गे हैं, बुलाता हूँ उनको। कित 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 कित। ये बड़ी अच्छी नस्ल का मुर्गा है, वाइट वाइट मुर्गा जो यहाँ का काफ़ी फेमस मुर्गा है, बड़े महंगी नस्ल है ये। तो यार अभी जो है मैं थोड़ी देर बाहर निकला हूँ, तो मुझे एक गोलू मोलू सा लड़का मिल गया। ओए ओए इधर देख यार, ये काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी का हमने खजूर का पौधा लगाया हुआ है, जो कि जो है वो पिछले 3-4 साल से जो है इसके ऊपर काफ़ी अच्छा फल लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अभी इसकी नई कोंपलें निकल आई हैं, तो इस बार तो इसके जो है वो तकरीबन कोई 8 से 10 जो है वो नए कोंपलें निकली हैं। तो अभी काफ़ी जब इसकी इंशाल्लाह खजूर प्रॉपर बन जाएगी तो आपको दिखाऊंगा। ये बैठा है मेरा बकर शरीफ, बकर। यार अभी जो है वो शाम का टाइम है, रोज़ा इफ्तार होने में शायद कोई आधा घंटा 40 मिनट रहता है। तो मैं ये खेतों वाली साइड पे आ गया हूँ जहाँ पे ये ट्यूबवेल वगैरह है, ये आप देख सकते हैं। तो ये है जी सहरा, ये सारा पीछे। तो यहाँ पे जो है ये बखर का एरिया है, जहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि चने की पैदावार जो है ना इसमें शायद ये टॉप पे है, शायद नहीं बल्कि कन्फर्म है कि बखर का जो एरिया है ये चने की पैदावार में टॉप पे है। ये आप देख सकते हैं ये सारी चने की पैदावार है, अभी इस पर माशाल्लाह है जो वो फसल भी लग चुकी है, ये आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर फसल भी लगी हुई है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बराना काश्त होता है, जिसका दारोमदार जो है वो तकरीबन बारिश के पानी पर होता है, यानी कि जिस साल बारिशें वगैरह अच्छी हों तो उस साल चने की फसल जो है वो बहुत अच्छी होती है, अगर बारिशें जो हैं वो अच्छी ना हों तो फिर जो है वो फसल बहुत नॉर्मल सी होती है। ये पीछे ये दरख्त हैं और इनके पार जो है वो गंदम है, ये हमारे जो है वो ट्यूबवेल का एरिया है जो कि चने और गंदम काश्त की हुई है। तो यहाँ की ये फेमस फसल है, जो लोगों की ज़्यादातर रोज़गार का दारोमदार है वो इसी पर होता है।
तो यहाँ पे बाकी सराह है, या पीछे देख सकते हैं। मैं आगे जाके भी आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ जो कि बड़े खूबसूरत मनाजर है। आज क्योंकि सूरज जो है वो ग़ुरूब हो चुका है, ग़ुरूब नहीं हो चुका बल्कि सूरज जो है आज बादलों में छुपा हुआ है, तो इस वजह से जो है वो, वरना सूरज ग़ुरूब होने का बहुत प्यारा मंज़र जो मैं आपको दिखा। यार यहाँ पे अभी मैं एक मिट्टी के टीले के ऊपर आ गया हूँ, यहाँ से आप जो है कुछ सैरा के ज़्यादा ही अच्छे मनाजर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप सामने देखें, ये सारा जो है वो सैरा है, सैरा ऑफ भकर। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो चने की फसल काश्त की हुई है। ये आप यहाँ पे जो है आप पीछे देखें, ये जानवर चर रहे हैं, आप देखिए बड़ी खूबसूरत वाइट कलर की बकरियां हैं, तो ये आदमी चरा रहा है। यूँ शाम का टाइम काफ़ी अमेजिंग होता है, खूबसूरती काफ़ी जो है वो क्लियर दिख रही होती है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है हमारे। अगर आप इसी सहरा में, अभी आप शायद, मैं अभी भी इस क्लियर पॉइंट में नहीं बैठा, अब अगर इधर इस साइड पर आप देखें तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रीन फील्ड नज़र आएंगे। बट यही अगर आप आते हैं जुलाई, जून जुलाई में, तो आपको ऐसा लगेगा जैसा कि ये कोई समझो बिल्कुल बंजर ज़मीनें हैं, वैरान है, क्योंकि उस टाइम इतनी शदीद गर्मी होती है तो मोस्टली जो है वो उस टाइम कोई फसल भी काश्त नहीं होती, तो बिल्कुल ऐसे वाइट जो है वो टीले होते हैं मिट्टी के। बट इस टाइम जो है वो, चूँकि फसलें जोबन में हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। तो ये आप देखें, ये ज़्यादातर जो है वो चने और गन्नम की फसलें यहाँ पे मौजूद हैं। यार उम्मीद करता हूँ आपको ये सैरा के मनाजर जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ये टोटल जो छोटा सा व्लॉग था आपको पसंद आया होगा। तो खैर रोज़ा है, कुछ बोला नहीं जाता, समझ नहीं आती क्या बोलना है, हालत ऐसी हुई होती है इस टाइम। तो खैर जो भी है, मैंने कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ भी पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल से जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।